गुड आफ्टरनून, सभी आ गए? प्रिंस प्रभाकर, शिंकू, अभिषेक, चलो तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज को बोला था कि हम लोग कुछ डिस्कस, कल तक जो हुआ था सभी ने नोट्स कर लिया था, उसको बना लिया था कल तक का रेडॉक्स रिएक्शन, अप टू रेडॉक्स सर रिएक्शन, है ना। तो आज बोला था कि हम लोग थोड़ा बैलेंसिंग सीखेंगे, है ना, कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, है ना। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, जिसको आपको बैलेंस करके दिखाना है, ठीक है। सभी के पास कॉपी और पेन रेडी है? पेन और पेपर सबको रेडी रखना, ठीक है। मैं देते ओके जाऊंगा, आप लोग उसको करते जाओगे, ठीक है। फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3। बहुत सिंपल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है ना, इसको बैलेंस करके बताओ, है ना, इसको बैलेंस करके बताओ। हाँ, बैलेंस करना है। इसको क्या पढ़ते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। Galaxy J2। हाँ, म्यूट कर दो बेटा, नाम अपना रख लेना, ठीक है। तो हो गया, सिंपल सा है, इसको ज्यादा इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे देखो, इसको करते हैं, कैसे चेक करेंगे हम लोग बैलेंस को, प्रोसीड कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड में आपका दो है ना, दो एल्यूमिनियम है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक एल्यूमिनियम। वहां से दो मल्टीप्लाई कर देते तो आपको पता चल जाता है कि हाँ, हो जाएगा बैलेंस मेरा। लेकिन ऑक्सीजन में देखो क्या है, इस साइड में तीन है, ऑड है ना, ऑड है, और इधर में आपका O2 है, दो है ना। तो इसको आप जैसे भी करोगे तो क्या होगा कि हमेशा इवन नंबर्स ही देगा ना। तो हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हमारा इवन नंबर राइट हैंड साइड भी हो और लेफ्ट हैंड साइड तो होगा, हो ही जाएगा, है ना। तो अगर बाई चांस अगर हम लोग यहाँ पे टू एल्यूमिनियम कर देते हैं, है ना, टू Al2O3 कर देते हैं, तो क्या आएगा, है ना, ऑक्सीजन कैट हो गया, छह हो गया राइट हैंड साइड में। तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, तीन से, है ना, बैलेंस हो गया। और यहाँ पे एल्यूमिनियम चार है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग चार कर देंगे, कोई दिक्कत। हाँ, समझ में आई बात? नहीं सर, नहीं समझ में आया? देखो फिर से, देखो फिर से, देखो फिर से, देखो देखो, इधर क्या था, आपको देखा ये इक्वेशन, देखा जब जैसे ही आपने इक्वेशन देखा तो आपको देखा क्या, राइट है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड में एक एल्यूमिनियम है, दो ऑक्सीजन है, और राइट हैंड साइड में आपका दो एल्यूमिनियम है और तीन ऑक्सीजन है ना। तो इधर में तीन ऑक्सीजन है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका दो ऑक्सीजन है। अगर आप कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो O2 को, तो हमेशा वो इवन नंबर ही देगा,
है ना, हमेशा इवन नंबर ही देगा। और इधर में आपको जो है क्या है, ऑड है, इस तरफ क्या है, ऑड है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, टू से मतलब जैसे ही देखा कि ऑड है तो क्या करेंगे हम लोग, टू से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो अब इधर राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन पेट हो गया, छेट हो गया, है ना। तो अब छे तो उधर हम लोग ला ही सकते हैं तीन मल्टीप्लाई करके, है ना, इसलिए इधर में हम लोग तीन मल्टीप्लाई करके ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए, ठीक है। अब बचा हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इधर में राइट हैंड साइड में चार्ट हो गया, तो इधर पे हम लोग कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस हो गया, यस ठीक है। सर। चलो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर टू में, देखो नाइट्रोजन N2 है ना, इसको नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, है ना, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, NH3 गिव्स अमोनिया, ठीक है, ये गिव्स अमोनिया, इसको अब बैलेंस करना, ये क्या है अमोनिया, ठीक है। हाँ इसको बैलेंस करो सभी कोई, अमोनिया, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी आपका इस तरह भी आएगा, है ना, सेंटेंस में आएगा, बोलेगा नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया, है ना, तो इसको केमिकल इक्वेशन लिखिए और इसको बैलेंस कीजिए, ऐसा आएगा, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा नेम वाइज, ठीक है। हो गया, नाइट्रोजन पे टू होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन पे कितना होगा, टू, नाइट्रोजन पे टू, नहीं 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 सर, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा क्या होगा, जल्दी करो, नाइट्रोजन पे टू होगा और जब रिएक्शन करके बनेगा तो नाइट्रोजन पे टू होगा। अच्छा तो मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे टू होगा, थ्री एच टू, नहीं सर, नहीं सर, रिएक्शन करके बनेगा नाइट्रोजन पर तब टू होगा, बैलेंस शिफ्ट करो ना, कहाँ पे, यहाँ यहाँ पे टू होगा बोल रहे हो, यहाँ पे, हाँ, अच्छा यहाँ टू होगा, फिर और N2 के पास 2 नहीं होगा, N2 पे 2 नहीं होगा सर, नाइट्रोजन पे 2 होगा, इधर वाले रिएक्शन में 4 होगा, हाँ हो गया, हाइड्रोजन पे भी 4 होगा, 6 हो जाएगा, हाइड्रोजन पे 6 हो जाएगा, तो उससे क्या फायदा, तो 2 माइनस का 2 डिवाइड कर दो ना सभी से, तो उतना करने की क्या जरूरत है, लंबा क्यों जा रहे हो, है ना। तो बस देखो ना इधर में क्या है, देखो देखो इस तरफ क्या हुआ, इधर में हाइड्रोजन आपका क्या है, ऑड है ना, हाइड्रोजन क्या है, ऑड है आपका, देखो ऑड है, तो ऑड है ना, इसलिए टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग टू से, ठीक है। टू जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, है ना, टू मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हमारा 6 हो गया और नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन को इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड देख रहे तो हाँ, तीन मल्टीप्लाई करने से मेरा बैलेंस हो जा रहा है, तीन मल्टीप्लाई कर दिए और नाइट्रोजन 2 तो है ही, है ना, बस बैलेंस हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, Al2O3 का नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना, कभी कभी रिएक्शन आपको नाम से आ गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, है ना, गिव्स
क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 है ना, AlCl3 वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स AlCl3 प्लस वाटर, ठीक है। इसको इसको बना के दिखाओ, बताओ। HCl पे 6 होगा, HCl पे 6 और एल्युमिनियम क्लोराइड पे 2 होगा, HCl पे 6 एल्युमिनियम क्लोराइड पे 2 हाइड्रो वाटर पे एल्युमिनियम क्लोराइड पे 2 और वाटर पे 3 क्या सभी का आ रहा है ऐसा? जी सर आ रहा है। कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए इधर में क्लोरीन है ना, क्लोरीन आपका क्या है, ऑड इंटीजर्स है ना, और इधर में आपको क्या है, कुछ भी कर सकते हो। अगर 3 से ही मल्टीप्लाई करके तो भी बैलेंस हो जाएगा, है ना, 3 से ही मल्टीप्लाई करें तो भी बैलेंस हो जाएगा, बट यहाँ पे एल्यूमिनियम आपका बदल जाएगा ना, है ना, एल्यूमिनियम 2 है इधर में, है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे मेटल का किया जाता है, हाँ, तो पहले क्या क्या किया हम लोग की, देखिए एल्यूमिनियम 2 है ना, तो क्या किया हम लोग, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, लेकिन क्लोरीन कितना हो गया, 6 हो गया, क्लोरीन आपका 6 हो गया है ना, तो क्लोरीन 6 हो गया, तो हमने देखा कि यहाँ पे 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। देखो एग्जाम में अगर जब बनाने जाओ तो पहले आप लोग पेंसिल यूज करना है ना, डायरेक्ट पेन मत यूज करना है ना, पहले पेंसिल यूज करना, अगर दिक्कत जब फाइनल आंसर आपको पता चल जाए कि हाँ ये होगा बैलेंसिंग में, बस उसके बाद पेन यूज कर देना। तो आपका हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस हो गया, अब बचा क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए 6 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी हम लोग को 6 करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग क्या किए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर, देखिए हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 है, और लेफ्ट हैंड साइड भी ऑक्सीजन 3 है, तो बैलेंस तो है ही पहले से ही, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। तरह और बताओ, अच्छा और आप लोग आज क्लियर नहीं आ रहा है, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है आपका, देखो जरा चेक करो, है ना, मेरा नेटवर्क सही है सर। अच्छा मतलब मेरा खराब है, पता नहीं सर, मेरा तो सही है सर, फुल स्पीड है। अच्छा फुल स्पीड है, चलो कोई बात नहीं, चलो फोर एक बार मत, मैं इस बार दे रहा हूँ कि आप सेंटेंस दे रहा हूँ, आप लोग को बताना है, ठीक है, लिखो लिखो सभी कोई। सोडियम क्लोरेट रुक जाए एक सेकंड, सोडियम क्लोरेट है ना गिव्स सोडियम क्लोराइड गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड O2 एंड ऑक्सीजन, ठीक है, इसका सेंटेंस बनाओ, मतलब इसका जो है रिएक्शन लिखो और उसके बाद उसको बैलेंस करो। पहले जानना पड़ेगा आपको कि सोडियम क्लोरेट का फॉर्मूला होता क्या है, है ना, सोडियम क्लोरेट होता क्या है, है ना, उसका गिव्स मींस एरो, है ना, सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, एंड मींस ऑक्सीजन प्लस, और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है ना, बनाओ।
NaClO होता है सोडियम क्लोरेट का, सोडियम क्लोरेट का होता है NaClO3, NaO3, हाँ ClO3 सोडियम क्लोरेट क्लोराइड का, ठीक है। सोडियम क्लोरेट गिव्स NaCl प्लस ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करना है बस, बहुत आसान है, है ना, हो गया सर, है कि नहीं, हो गया सर। क्या करेंगे, बस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन 6 ऑक्सीजन हो गया, है ना, तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सोडियम 2 क्लोरीन और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, हो गया, बहुत आसान था सर। सर जिंक, जिंकेट का क्या होता है, जिंकेट का फॉर्मूला, जिंकेट ZnCO3, ZnCO3 जिंकेट कुछ नहीं, क्या होता है, क्या सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट नहीं, क्या बोल रहे हो, दो दो दो, दो, दो मेटल्स कब बनाओगे क्या, वो नहीं बोल रहे सर, जिंकेट है, तुम्हारा आवाज थोड़ा रोबोट जैसा आ रहा है, है सर अभी जो कहे वो समझ नहीं आया, सोडियम जिंकेट जो है ना आपका, वो आपका एक एक सॉल्ट है ना, ये आपका सॉल्ट आता है, तो इसको हम लोग जनरली टेट्रा हाइड्रेट होता है, ZnOH द होल 4 होता है ना, ये आपका सॉल्ट फॉर्म में आता है, है ना, मतलब कि इस तरह का होता है ZnOH द होल 4, है ना, ये किसी भी आपका मेटल से ज्वाइन होके सॉल्ट बना सकता है, ठीक है ना, ठीक है, यस सर, चलो नेक्स्ट आप लोग लिखो, है ना, लिखना सोडियम नाइट्रेट, लिखो सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम लिखना, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नहीं, अभी शिवकांत जायसवाल सर अभी जो बनाए हैं वो समझ नहीं आया, कौन सा बेटा जो अभी जिंक वाला, तो उसमें तो कुछ भी नहीं था, देखो क्या था उसमें, जैसे कि NaClO3 यही था ना, इसको दे रहा था क्या NaCl और प्लस O3 O2 था, O3 कहाँ था, O2 था, O2 है ना, तो देखो यहाँ पे देखो NaCl यहाँ पे दोनों एक ही जैसा है ना, सिर्फ बैलेंस क्या करना है आपको ऑक्सीजन को, है ना, तो यहाँ पे आपका ऑड है ना, और यहाँ आपका करोगे यहाँ पे आपका इवेन आएगा, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ से 2 पे मल्टीप्लाई कर दिए, जब 2 मल्टीप्लाई किए तो आपका ऑक्सीजन कैट हो गया 6 हो गया, इसलिए 6 हम लोग यहाँ पे ऐसे कर दिया, बैलेंस कर दिए 6 हो गया इधर भी, है ना, अब सोडियम क्लोराइड आपका इधर में हो गया तो इधर भी सोडियम सर, इसमें 2 क्यों करेंगे, इसमें इधर नहीं, बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, यस सर, हो गया समझ में आ गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हो गया, ठीक है, चलो हाँ, तो क्या बताया था, लिखो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस, कभी सोडियम बोल रहे हैं कभी पोटेशियम, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, पोटेशियम या सोडियम दोनों का फॉर्मूला एक ही आएगा, सिर्फ के की जगह एन लग जाएगा, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस कार्बोनिक एसिड, ये भी लिख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, नहीं नहीं चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, KNO3 ये है आपका क्या, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम H2CO3 गिव्स K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट,
प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना, ये नाइट्रिक एसिड है ना, इसको बैलेंस करो। ये है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और ये आपका क्या कहलाता है, कार्बोनिक एसिड। टू नो हो गया सर, हो गया सर। भोजपुरी का कम इस्तेमाल करो क्लास के टाइम में, नहीं हो गया ना सर, बोले हो गया, ठीक है। तो क्या क्या हुआ बताओ, 2KNO3 फर्स्ट में, फर्स्ट में आपका 2KNO3, सेकंड में हो जाएगा वही से वही रह जाएगा सेकंड वाला 2HCO3, हाँ ठीक है, उसके बाद K2CO3 जो है वो वही रहेगा, रहेगा फिर H2NO3 है ना, है कि नहीं, यस सर, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोनेट जो कार्बोनेट आयन है वो एक है, यहाँ पे कार्बोनेट आयन एक है ना, यहाँ पे पोटेशियम दो है, पोटेशियम दो है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे पोटेशियम दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब पोटेशियम को दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखा कि हमने नाइट्रेट आयन जो है वो भी दो बार मल्टीप्लाई हो गया है ना, नाइट्रेट आयन, इसलिए हम लोग क्या किए नाइट्रेट को भी दो बार मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, है कि नहीं। अब यहाँ पे नाइट्रेट को हो गया तो देखिए हाइड्रोजन दो है तो इधर में हाइड्रोजन दो है तो इधर पे भी हाइड्रोजन दो हो गया है ना, इसलिए बैलेंस, ठीक है, यस सर, ठीक है। चलो कुछ और हम लोग अब टॉपिक थोड़ा एक अलग करते हैं, और भी बैलेंसिंग का है, मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है ना, पूरा तो आप लोग उसको करना, लगभग 20 क्वेश्चन अलोंग विद दिस जो अभी तक किया है वो भी, और बाकी का और 10-15 में और अपने से मिला के भेजूंगा, ठीक है, बैलेंसिंग का वो सब करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है, ठीक। तो चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन अलग चीज है, रस्टिंग अलग चीज हो जाता है ना, कोरोजन जो है रस्टिंग, हाँ बोलो, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, the process by which any metal wants to go in a stable form and destruction of metal is known as corrosion. अच्छा, मेटल चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए ना, स्टेबल फॉर्म में हो, अच्छा ठीक है, तो इसको आप लोग कह सकते हो इस तरह ना कि स्लो एंड स्टेडी डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल है ना, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन है ना, क्या होगा स्लोली स्लोली ये कोरोड होता है ना, मतलब उसका डिस्ट्रक्शन होता है मेटल का है ना, जब वो एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में या एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में होता है तो उसका क्या होता है, उसका क्वालिटी धीरे धीरे डिग्रेड होता है, अपने ऊपर एक ऑक्साइड जमा लेता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोरोजन कहते हैं, एल्यूमिनियम है वो क्या होता है कि उसको कोरोजन तो नहीं बोले लेकिन क्या होता है, आप उसको अगर छोड़ दोगे ना बहुत, अगर जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कोई भी खाने के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लगा देते हैं, तो क्यों लगाते हैं एल्यूमिनियम फॉइल है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम फॉइल लोग क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आके अपने ऊपर एक ऑक्साइड फॉर्म करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना, और वो क्या करता है अंदर जो सामान रखा हुआ उसको खराब होने से बचाता है, क्या है कौन कर रहा है सर, ठीक है सर, मेरा सही नहीं है, हाँ सही है, मैं तो बता रहा हूँ सही है, ठीक है। कोरोजन का जो ये है वो तो आप लोग देख लेना, ठीक है, कोरोजन क्या होता है मैंने बता दिया कि क्या स्लो एंड स्टेडी डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल होता है, इसको हम लोग बचा कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट इट, प्रिवेंशन, एलोइंग से, पेंटिंग से, तरीका क्या है, नंबर वन में एलोइंग, एलोइ कर देना, एलोइंग कर देना है ना, मतलब कि मेटल है हमारा जिसको हमको कोरोजन से बचाना है उसके ऊपर हमने कोई एक अलॉय जो है ना उसके ऊपर कवर चढ़ा दिया है ना, वो कह सकते हो प्लेटिंग, इलेक्ट्रो प्लेटिंग भी कर सकते हो है ना, ग्लैबेनाइजेशन, ग्लैबेनाइजेशन होता है, ग्लैबेनाइजेशन नहीं होता है,
ग्रीसिंग देखो एक तरह से सोचो ग्रीसिंग हम लोग को ग्रीसिंग भी आता है सर। ठीक है कह सकते हो हाँ बोल सकते हैं ग्रीसिंग की उसके ऊपर एक कवर लग जाता है ना, लेकिन एक्चुअली ग्रीसिंग का मेन ये होगा कि वो उसको क्या है फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन डिक्रीज करने में इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वनाइजेशन है ना। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है कोई बता सकता है? जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है स्टील और आयरन पे। जिंक का लेयर है ना, जिंक लेयर चढ़ाया जाता है जो भी हमारा तो जिसको हमको बचाना है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं जिंक का इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, उसी को कहते हैं क्या गैल्वनाइजेशन है ना। तो ये इसका प्रिवेंशन का तरीका हो गया है ना। ये सबसे सिंपल सी चीज होता है रस्टिंग। रस्टिंग होगा जब जब कोरोजन जो इन केस ऑफ आयरन होगा तो क्या कहेंगे उसको रस्टिंग है ना। रस्टिंग में क्या होता है कि आयरन जब भी आपका एटमोस्फेरिक मॉइस्चर से संपर्क में आता है तो क्या होता है वो है ना अपने ऊपर ऑक्साइड बनाता है जिसकी वजह से उसका हाँ बोलो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? सिल्वर सल्फाइड Ag2S होता है। हाँ Ag का मतलब क्या कहता है क्या एजी का वैलेंस सेल में एक ही होता है मतलब वैलेंस नहीं होता है। हाँ क्यों आपने तो पढ़ा है ना AgBr AgCl क्या पढ़ा था AgBr पढ़ा था ना AgCl जो सनलाइट में देता है तो क्या देता है Ag plus Br देता है ना है कि नहीं यही होता ना तब ठीक है। तो ये था कोरोजन है ना। एक आता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है मतलब ऑयल से ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए प्रोसेस होता है। हाँ एक तरह से कह सकते हो कि जैसे कि जो फाउल स्मेल आता है ना जैसे मान लो कि आपका सम कॉमन लैंग्वेज में समझो ना बासी खाना जो खराब हो गया है ना और जो जो फूड ऑयल से मतलब ऑयल और फैट से उसको क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम जो है वो बहुत सारा प्रिवेंशन करते हैं ना। अगर वो जैसा कि अगर हो गया खराब तो क्या होता है उससे फॉल्स स्मेल आता है ना उसी फॉल्स स्मेल को कहते हैं रैंसिड। इस प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी ठीक है ना। तो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं हाउ कैन वी प्रिवेंट इट प्रिवेंशन एयर टाइट कंटेनर में रखकर। हाँ एयर टाइट कंटेनर यूज कर सकते हैं है ना। नाइट्रोजन गैस जैसे कि आपने जो लेंस का पैकेट कुरकुरे का पैकेट होता है उसमें क्या करते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है ना ताकि उसको लॉन्गर टाइम तक उसको बचाया जा सके है ना। क्या करते हैं हम लोग एयर टाइट कंटेनर लेते हैं एयर टाइट कंटेनर ठीक है। दूसरा हो गया आपका नाइट्रोजन फिलिंग ऑफ नाइट्रोजन यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स फॉर फूड भी कह सकते हो है ना। यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स जो कि खाने में डाला जाता है सो दैट कि खाना बहुत ज्यादा देर तक आपका सही रह सके है ना। यूज ऑफ सॉल्ट भी होता है ना सॉल्ट प्रिजर्वेटिव वही होता है ना जो अचार होता है जो पिकल्स बनाते हो जो उसमें हम लोग सॉल्ट बहुत ज्यादा डालते हैं क्यों क्योंकि उसको बहुत दिन तक बचाना होता है वो एक तरह का प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है। सॉल्ट भी प्रिजर्वेटिव की तरह काम आता है ना। हाँ अचार में फिर पिकल्स सॉल्ट और ऑयल ठीक है ना ऑयल हो गया सॉल्ट हो गया तो क्या करता है कि मतलब कि एक उसको खराब होने से बचाता है ना ठीक है। तो बेसिकली आपका ये जो चैप्टर है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ना। तो अभी आपका उसकी बैलेंसिंग क्या है अभी कहां सर क्या क्या दिक्कत हो गया तुमको
सर अभी उसमें बताया नहीं कि केमिकल रिएक्शन होगा तो कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होता है, क्या उसमें दिखाई देता है कि केमिकल रिएक्शन है? अच्छा मतलब क्या बोल रहे हो कि उसका टेस्ट कैसे है? कलर है तो कौन सा कलर बनेगा, है ना? नहीं सर, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? एनसीईआरटी में है सर। कहाँ एनसीईआरटी में? मुझे तो ऐसा दिखा नहीं है आपका सिलेबस में, तो पूरा मैंने पढ़ा है। शुरुआत में दिया है, शुरुआत में ही दिया है। देखिए सर, बस दिया है उसमें ना इंट्रो दिया है। अच्छा। कि मतलब कलर चेंज होगा तो इवोल्यूशन होगा। अच्छा ठीक है, जो भी होगा उसको करा दूंगा, ठीक है ना? उसका टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है, तो जो भी है तो मेजर जो भी चीजें थी वो ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका है, ठीक है? अपन चैट में भेजा है सर, आज का नोट सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। आज का नोट्स बेटा कैसे सेंड करूंगा, ये तो हो ही रहा है, मैं रिकॉर्डिंग तो कर दे रहा हूँ बट नेटवर्क इश्यू के कारण जा नहीं रहा, ठीक है ना? मैं कल भी भेजने की कोशिश किया था, ठीक है? तो उनका रिकॉर्डिंग मिला था ना सर, वही नोट्स बनाएंगे। हाँ वही नोट्स है, पीडीएफ दिए हैं। और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी को लिखना है, है ना? और भी जो एडेड है जो आपको लगता है कि हाँ, क्योंकि मैंने तो उसको शॉर्ट में लिखा है ना, है कि नहीं? आप जब फॉर्म बनाओगे तो आपको अच्छे से बनाना पड़ेगा ना, ठीक है? तो क्लियर है? साइड बुक आप लोग क्या जो भी देख लो, क्या है क्या आप लोग क्या सर, मतलब सर केवल मतलब सीबीएसई के लिए नहीं, मतलब कोई कंपटीशन के लिए भी? अच्छा, कंपटीशन के लिए करना है तो मेरे ख्याल से एक बार ये लोग देखना ना, कोशिश करना कि आप सेलिना वाला ले लो। सेलिना? हाँ। आप बीके का? हाँ बीके का, बीके का, विक्की का भी सही रहेगा। सेलिना में क्या है ना कि बहुत अच्छे से दिया गया है, उसको सिस्टमैटिक वे में बताया है उसमें। ठीक है सर, अभी तो बुक नहीं मिल रहा है हम लोग के पास। अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, अभी तो घर पे खाली पढ़ो। हाँ सर, है ना? केवल अभी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और एक साइड बुक रखे हैं वही पढ़ रहे हैं। चलो बुक मिल रहा है सर। हाँ बुक मिल रहा है, 30 तारीख 31 तारीख तो बोला था बुक मिलेगा। सर बुक स्टॉल लग गया है सर, हम लोग के यहाँ नहीं ना है। ये लड़का खाली जानते हो बहाना मार रहा है, ठीक है सर बाकी बात जब हम लोग के यहाँ नहीं ना है सर, सही बोल रहे हैं। काहे काहे सही बोल रहे हैं, फुल नहीं रहा ना स्कूल। आज पुशाली में हम बुक रिटर्न किए हैं।